कोठी कबूतर खाने में गणेश मंडप गोविंद राठी और गणेश उत्सव समिति के तहत बिठाया जाता है, जहां पर आज बीजेपी के मौजूदा गोशा महल कॉरपोरेटर लाल सिंह और बीजेपी एक्स कॉरपोरेटर घासी बाजार मेघा रानी दोनों ने गणेश महाराज के दर्शन किए। आइए नाज़रीन देखें यह रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाई आज निमंत्रण पर श्री मारवाड़ी गणेश उत्सव समिति के यहाँ पर हजबंजगंज कोटी के पास आया हूँ। बहुत सुंदर झांकी अंदर गणेश जी जो भाग्यनगर के राजा कई सालों से विराजित, इस तरीके से कार्यक्रम 1929 से ये श्री मारवाड़ी गणेश उत्सव समिति बनी है। जब से ये लोग कंटिन्यू गणेश बिठा रहे हैं और अमृत मंथन दानव और देवताओं के बीच में अमृत मंथन का प्रोग्राम यहाँ पर अंदर चल रहा है। बहुत ही इतिहास बताया गया है, देवी देवताओं में हमारे हिंदू धर्म में सर्वप्रथम पूजनीय श्री गणेश महाराज सबसे पहले पूजा की जाती है। उनकी रिद्धि सिद्धि के दाता, ज्ञान के दाता, निधि के दाता, न्याय के दाता श्री गणेश भगवान। आज यह जो गणेश उत्सव जो चल रहा है 10 दिन का, उस पर गणेश भगवान की कृपा से सभी माताओं और बहनों भक्तों को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखे, सबको धन धान्य से भरपूर करे और जितने भी लोग यहाँ पर दर्शन करने को आ रहे हैं माँ भाग्यनगर के राजा जो सोने के दांत और चरण हैं उनके, उनका आशीर्वाद लेकर अपने जीवन को सफल बनाएं। यहाँ पर श्री मारवाड़ी गणेश उत्सव समिति का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गोविंद राठी जी एंड कमेटी, रमेश पंत जी भाई, सुमित राठी जी, सभी का धन्यवाद जिन्होंने यहाँ पर मुझे बुलाया और मैं दर्शन किया हूँ, मैं धन्य हो गया हूँ। धन्यवाद, जय श्री गणेश। मैं लाल सिंह गोशामल कारपेट रहा हूँ। बड़ी खुशी की बात है, मारवाड़ी गणेश उत्सव समिति जो सन 1929 में आज़ादी से पहले यहाँ पर हम यहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा लगाते हैं और इसमें हमारे पूर्वज जो आज नहीं है उन्हें मैं याद करता हूँ, क्योंकि उनकी ये नींव डाली गई थी 1929 में और ये हमारे जो गणेश उत्सव समिति के जो नवयुवक है, नाम एक एक का मैं नहीं लूँगा क्योंकि नवयुवक पूरे साथ बनकर ये कार्य करते हैं और ये पिछले कई वर्षों से कार्य हो रहा है यहाँ पर हसमतगंज में। और इससे पहले भी सीता हरण की झांकी लगाई गई थी और इसके बाद गोवर्धन पर्वत का था और शंकर की बरात की भी यहाँ पे लगाई गई थी। ऐसा नहीं कि ये पहली बार हम लगा रहे हैं और अभी समुद्र मंथन का ये कार्यक्रम आपने देखा है और ये भव्य मैं समझता हूँ, पूरे तेलंगाना में भी इस तरह के मंथन का कार्यक्रम नहीं हुआ है। मैं इसलिए सभी भक्तों को धन्यवाद देता हूँ जो यहाँ पर रात के 3 बजे तक बड़ी शांति से ये देखने आ रहे हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आज हमारे पास कई हस्तियाँ यहाँ पर आई थी और दर्शन करके गई और आज हमारे बीच लाल सिंह जी जो यहाँ कर पार्षद है गोशा महल के, वो भी यहाँ पर आए और हमारे महेश बैंक के चेयरमैन श्री रमेश कुमार जी बंग भी यहाँ पे पधारे हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। बात एक ही कहना चाहता हूँ कि अब सब हम मिलकर कार्य करेंगे तो हम सब कुछ कर सकेंगे और यह 1980 में जो सामूहिक विसर्जन निमज्जन का कार्यक्रम हुआ था और इससे पहले भी हम लोग यहाँ पर निमज्जन यहाँ नज़दीक में करते थे परंतु अब हम लोग भाग्यनगर का ये जो विशाल जुलूस जो 9 तारीख को जाता है वो धूलपेट, मतलब यहाँ धूलपेट का भी एक निमज्जन जुलूस होता है वो एक दिन पहले होता है परंतु जो 8 तारीख के रात को होता है वो 10 तारीख को होता है, 9 तारीख को वहाँ पर जुलूस में शामिल हो जाते हैं। और धूलपेट में उसका नाम असल ध्रुवपेट है और वहाँ पे अच्छे अच्छे कलाकार हैं जो मूर्तियाँ बनाते हैं, उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा क्योंकि पिछले 2 वर्ष में कोविड के कारण उनको बहुत ही सुविधा नहीं थी क्योंकि बना नहीं सकते थे और हम ऊंचे ऊंचे मूर्तियां लगा नहीं सकते थे, परंतु इस वर्ष बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर गणेश जी की प्रतिमाएं वहाँ से लाते हैं और लगाते हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ पर समस्त हमारे भक्तगण जो हस्बैंड में पधार उनको भी मैं धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। बोल गणेश महाराज की। यहाँ पर गणेश जी का उत्सव पूरे भारत में बहुत उत्साह रूप से मनाया जाता है। ये उत्सव
आज़ादी से पहले से प्रारंभ हुआ था, जहाँ संगठन को मजबूत करने के लिए ये उत्सव प्रारंभ किया गया और ये उत्सव कंटिन्यूस आज़ादी से पहले से आज तक चलता आ रहा है और निरंतर बढ़ते जा रहा है। भक्तों में एक अलग उत्साह है, एक एकता का और संगठन का परिचय है। गणेश उत्सव आज पूरे भारत में भाग्यनगर के जैसा गणेश उत्सव कहीं नहीं मनाया जाता, यहाँ चलता आ रहा है और बहुत अच्छा है। आज विजिट करते हुए पूरी जगह आज हम यहाँ विजिट करें, एक यहाँ पर समुद्र मंथन की कहानी नाटकीय रूप में मूर्तियों के द्वारा प्रदर्शित की गई एक छोटी सी कहानी है, लेकिन एक अलौकिक मोहिक कहानी है जो आपको यहाँ पर जो जुड़ाती है और बच्चों को मोहित करती है, सभी को मोहित करती है। बोलो गणेश महाराज की जय। आपका भी आप कौन से एरिया? मैं मेघा रानी अग्रवाल घाटी बाजार डिवीजन से हूँ, भाजपा की सीनियर लीडर हूँ और आज गणेश पंडालों में विजिट करते हुए आज यहाँ पर पधारी हूँ। मारवाड़ी गणेश उत्सव समिति के सभी इसमें जो भी इन्वॉल्व है कार्यकर्ता और 1929 से यहाँ पर चालू आज़ादी से पहले से, और मैं भी प्रतिवर्ष आता हूँ यहाँ, जो भी झांकियाँ बनती है अनोखी बनती है, हमेशा कोई ना कोई एक नई चीज़ ये लोग लाते हैं, काफ़ी भक्तों की भीड़ भी रहती है। मैं मेरी ओर से एक संदेश देना चाहूँगा कि जो भी अगर अभी कोई लोग दर्शन नहीं किए हैं, इस झांकी को नहीं देखेंगे तो मिस करेंगे। ज़रूर सभी भक्तों से निवेदन करता हूँ कि सशपतगंज के अंदर मारवाड़ी गणेश उत्सव समिति के गणेश के दर्शन के लिए सभी भक्तगण पधारे और मैं समिति को भी बधाई देता हूँ। इस प्रकार लोगों को नई नई चीज़, नए नए ज्ञान, इस तरीका की प्रतिमा बनाकर लोगों को अच्छा संदेश दे रहे हैं। सुल्तान बाजार हशपतगंज। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती, एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवेसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190।